बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बियादद कुल्लि मालिकिल मुल्क। मैं आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी इस मौजू के साथ आज के हमारे वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो लोग शादीशुदा हैं और जिन्होंने क्रीम लगा के, ऑइंटमेंट लगा के और स्प्रे लगा लगा के अपनी नसों को ख़त्म कर लिया है। जो लोग परेशान हैं, एक बार मेहनत करने के बाद दोबारा इच्छा नहीं करती, बार बार जाने की ताकत नहीं है, एक बार के बाद में बहुत टाइम लग जाता है, उन लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाला हूँ। आप कॉपी पेंसिल लो और आप नुस्खे को नोट कीजिए। रस सिंदूर 10 ग्राम, एबरक भस्म 10 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम, केसर जिसे जाफरान बोलते हैं 5 ग्राम, जुंदवे दस्तर 10 ग्राम और मूंगा भस्म 10 ग्राम। आपको ये आदत लेने हैं और इसमें जितनी ये 10 ग्राम दवाई है और बाकी जाफरान को छोड़कर, और आपको ये सारी भस्में हैं जाफरान के अलावा, और बाकी इसमें शामिल करनी है 50 ग्राम जावित्री, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम ईरानी अकरकरा और 20 ग्राम मस्तगी रूंगी। इन सारी दवाओं को आप ग्लेंडर में पीस लें पुस्तों को हटाकर, और जब ये दवाई पीस जाए तो सारी दवाओं पुस्तों को उसमें मिलाकर अदरक का रस निकाल लें। आप अदरक का रस लेकर और अदरक के रस को उसमें इसके सकूप में डालें और जाफरान किसी गुलाब के अरक में हल कर लो, कोई पूजा पूजा हो या खरा लो, जाफरान डाल के और गुलाब के फूलों का अरक निकाल लो आप और उसमें डालकर उसे हल करो। जब जाफरान हल हो जाए तो उसी में वो सारे सकूप में उसे मिला दो और अदरक का रस लेकर छान कर उसके सहारे से चने के बराबर गोली बना लें और इंशाल्लाह दवाई एक नंबर की हो, और आप सुबह शाम एक गोली दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर आपने नुस्खा बना लिया और एक नंबर की दवाई मिल गई तो इसके अंदर बाजीगरों में बहुत ताकत है, बार बार जाने की ताकत है और खोई हुई ताकत जो अति मैथुन बार बार मैथुन करके आप मतलब है कि बेकार हो गए हैं और आपके अंदर वो कुवत नहीं रही, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे को आपने बना लिया तो बहुत ताकतवर बहुत पावरफुल है। इंशाल्लाह सुबह शाम सुबह निहार में एक गोली और शाम को खाना खाने से पहले एक गोली दूध के साथ में इस्तेमाल करें आप और इंशाल्लाह इसका तमाशा देखें। अगर ये दवा आपसे ना बन सके, एक नंबर की दवाई आपको ना मिल सके, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी मर्ज एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपको काला पीलिया हो और आपको बवासीर हो, भगंदर हो और सोयासिस हो और आपको दाग हो, एक्जिमा हो, कोई भी एक्स वाई जेड आपको सपनदोष हो, नामृति हो और शीघ्र पतन की शिकायत हो, तो इंशाल्लाह मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत नंबर 1 की दवाई मिलेगी और देसी जड़ी बूटियों से इलाज होता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।